नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती चुनाव से संबंधित कुछ बातों को अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। और हमारे भारत देश में एक पुरानी कहावत है कि 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और ये शब्द जो है पंचायती चुनाव में लागू हो रहा है। जी हाँ, मेरे सामने आज मैं मुजफ्फरपुर जिला के नरसंडा चौक पर उपस्थित हूँ और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जो है यहाँ बैठे हुए हैं। अब हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत चुनाव में मुखिया का जो चुनाव हो रहा है, समिति का जो चुनाव हो रहा है और जिला परिषद का जो चुनाव हो रहा है, क्या वो सेवा के लिए चुनाव हो रहा है या बिजनेस के लिए चुनाव हो रहा है। आज जो निर्वाचन नियमावली बनाई गई है वो केवल सेवा के लिए बनाई गई है, लेकिन उस व्यवस्था को लोगों ने व्यापार का रूप दे दिया है। और यहीं पर हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मोहम्मद सरफुद्दीन जी हैं, मुजफ्फरपुर जिला में बहुत अच्छा खासा प्रसिद्ध है, उनका जो है सामाजिक काम है। कैमरा मैन आ गया जी। अभी जो मुखिया का चुनाव हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, मुखिया का चुनाव कैसा होना चाहिए? क्या जनता मुखिया का चुनाव कर रही है, जिला परिषद का चुनाव कर रही है, या समिति का चुनाव कर रही है, या किसी बिजनेसमैन का चुनाव कर रही है? देखिए, आज जो ये पंचायती राज का जो चुनाव हो रहा है, जोर से बोलिएगा, ये पंचायती राज का जो चुनाव हो रहा है, ये पंचायती राज का सपना हमारे बापू महात्मा गांधी बड़े बड़े ढंग से देखे थे। पंचायती राज कैसा होना चाहिए, क्योंकि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ही हमारे बापू ने पंचायती राज का गठन किया। लेकिन ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के आर में, ये पंचायती राज में हम लोग जो जनता है ये समझ नहीं पाते हैं कि हम मुखिया चुने कि हम दलाल चुने। और दलाल जो होता है वो तो तरह तरह का प्रलोभन देता है लोगों को, पैसा देंगे, वोट लेंगे, उससे नहीं तो दारू देंगे, वोट लेंगे, अगर दारू पर नहीं मानेगा तो रंगबाजी से भी वोट लेंगे। ऐसा जो है कि से जनता के सामने बात आता है और जनता जो है कि डर से हो या फिर जिस तरह से हो वो प्रतिनिधि नहीं चुनता है, मुखिया नहीं चुनता है। वो तो क्या चुनता है, वो मुखिया न चुन करके वो दलाल चुन लेता है, वार्ड मेंबर न चुन करके वो दलाल चुन लेता है, क्योंकि वो दलाली करने में माहिर होगा उसी का लोग चुन लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता, वो पैसा नहीं दे सकता, पैसा लेकर के वोट ले, पैसा देकर वोट लेना वो पाप समझता है। जनता का वोट बहुमूल्य है, इसको खरीद बिक्री मत करो, अगर खरीद बिक्री करते हो तो समझ लो कि बहुत बड़ा हम पापी हैं। आप जिस पंचायत से हैं, आप किस पंचायत से हैं? हम धमौली रामनाथ पश्चिमी कांटी ब्लॉक। 70 वर्षों में धमौली रामनाथ कांटी ब्लॉक के जो लोग हैं उन लोगों ने मुखिया चुना के दलाल चुना? पहले तो मुखिया ही लोग चुनते थे, लेकिन आज के जो 2001 के बाद से जब चुनाव होना शुरू हो गया, तो उसके बाद लोग दलाल चुनना शुरू कर। यानी आपके पंचायत के लोग और बिहार के तमाम जो भी जनता है वो अभी वर्तमान में मुखिया नहीं चुन रही है? नहीं, नहीं, दलाल चुन रही है। दलाल चुन रही है एकदम बिल्कुल। वार्ड मेंबर भी दलाली करता है, समिति भी दलाली करता है, मुखिया भी दलाली करता है। अरे भैया, क्या हो गया, क्या होगा हमारे बिहार का? क्या संदेश क्या देंगे आप अपने पंचायत में? कितने प्रत्याशी खड़े हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 6 प्रत्याशी खड़े हैं। अच्छा, 6 में 6 हो दलाले हैं? 6 प्रत्याशी खड़े हैं, 2 प्रत्याशी नगण्य हैं। अच्छा, 4 प्रत्याशी फील्ड में हैं। अच्छा, और 4 प्रत्याशी का क्या जो है किसी सिस्टम है हमारे पंचायत के जनता बखूबी जानती है। अच्छा, फिर भी उसको चुनेगी? लेकिन फिर भी चुनेगी, क्या करेगी वो, क्योंकि जितने भी लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के बीच में काम करने वाले लोग थे,
वो जो है किसे ये आंधी तूफान में देखे कि हम तो कहीं टिक नहीं पाएंगे, हमारे पास रुपया नहीं है, हम रुपया खर्च नहीं करेंगे। हम रुपया कहाँ से खर्च करेंगे भैया, हम जनता के सेवा करते आ रहे हैं 20-25 वर्षों से, तो हम रुपया चुनाव में खर्च करेंगे कहाँ से करेंगे? क्या संदेश दे रहे हैं हम जनता से? पंचायत में चुनाव नहीं हुआ है, हम उस पंचायत में क्या संदेश दे रहे हैं? बिहार के किसी भी जिला में अगर अभी तक चुनाव बाकी है तो हम उस जनता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आपके बीच में जितने भी प्रत्याशी खड़ा है उसमें से दलाल और क्रिमिनल माइंडेड लोग को छांट करके आप हर पद पर चुनाव कीजिए जो आपके बीच में सेवा करने के लिए तत्पर खड़ा रहे। जनता के बीच में जो गरीब लोग खड़ा है उसको तो जनता सीरियस से करिए कि नहीं जीतेगा, इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है, पैसा वो पैसा दे नहीं सकता है, और पैसा वही देगा जो दलाली करेगा। जब वो दलाली करेगा तो फिर आप दलाल को चुन रहे हैं, इसलिए हम जनता से भी अपील कर रहे हैं। कैसे आप उनको दलाल साबित कर रहे हैं? अरे भैया हम तो देखे हैं कि समिति भी वीडियो के घुस देते हो। अच्छा, हम तो मुखिया को घुस देते हुए देखे हैं। अच्छा, और इंदिरा आवास पास होने से पहले ही पहुंच जाता है कि 10,000 दे दो। अच्छा, आप पैसवा जब 40,000 तेरा खाता में आता तो 10,000 और निकाल के दे दिया। अच्छा, आजकल नया सिस्टम हो गया है टिप टाप एमएमओ वाला जो सिस्टम हो गया है पैसा निकालने वाला। हाँ। अगर किसी को पैसा खाता में आ जाता है तो ये मशीन में लेके पहुँच गया। अच्छा, और कहता है कि लावो ना मैं यही में से अभी कर लीजिए व्यवस्था। अच्छा, 10,000 तुरंत अपना खाता पर ट्रांसफर कर लेता है। और ये सब व्यवस्था है, इस व्यवस्था से बचने के लिए जनता मतदाता मालिक को सोचना पड़ेगा कि हमारे बीच में जो भी कैंडिडेट आए बढ़िया कैंडिडेट आए और हम उसका जो है किसे स्वागत करेंगे। अगर बढ़िया कैंडिडेट जीत के आता है, मेरा नाम हुआ मोहम्मद सरफुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता पंचायत धमोली रामनाथ पक्षी। आप सुन रहे थे मोहम्मद सरफुद्दीन की बातों को, उन्होंने पूरे बिहार के लोगों को आगाह किया कि लोग जो है इस समय मुखिया नहीं चुन रही है, दलाल चुन रही है। वह दलाल इसलिए चुन रही है कि जब कोई दलाली देगा तो दलाली लेगा, और मुखिया और वार्ड सदस्य समिति ये तमाम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को दलाली देते हैं और जनता के कार्य कराने के लिए दलाली लेते हैं। जबकि इनका कहना यह है कि जो मुखिया चुनिएगा वो आपके काम को कराने के लिए लड़ सकता है, जेल जा सकता है आपके हक अधिकार के लिए, लेकिन ना ही दलाली देगा और ना ही दलाली लेगा। इनका भी कहना बिल्कुल सही है। अब जनता को तय करना है, धमौली रामनाथ पंचायत के जनता को भी तय करना है कि उनके पंचायत का मुखिया दलाल होगा या समाज सेवी होगा। एक समाज सेवी और भी हमारे सामने खड़े हैं, क्या कहेंगे पंचायत के लोगों को? जोर से बोलिए। पंचायत के लोग यही कहना चाहेंगे कि भ्रष्ट लोगों का सिलेक्शन नहीं कीजिए। अच्छा, अच्छे लोगों को चाहिए। हाँ। वो अच्छे लोग आएंगे तो आपका जन कल्याण करेगा, आपका हित के लिए करेगा। हाँ। अब दलाल को रखिएगा तो मान करके चलिए कि दलाली करते करते समय गुजर जाएगा, जिस काम के लिए आपको चुने तो काम उसका होने वाला नहीं। परिचय बताइए। मेरा नाम है बाबूलाल राम, ये हम अभी होम्योपैथ के हम रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो अपना हम प्रैक्टिस करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे हम नौकरी भी करते थे। आप जनता जनार्दन मालिक हैं और आप लोग दलाल चुनेंगे या अपना जन सेवा करने वाला मुखिया चुनेंगे, उसके लिए ही 5 वर्ष की जन प्रतिनिधि निर्वाचन नियमावली बनाई गई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर धर्मचंद यादव, GE News बिहार।